नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? आज यहाँ पर हम मंगलसूत्र बनाएंगे फ्लावर डिज़ाइन का। इसके लिए यहाँ पे मैंने ये इस तरह के स्मॉल गोल्डन बीड्स लिए हैं। ये इस तरह के सीड बीड्स है, ये थोड़ी बड़ी साइज़ के हैं। ये इस तरह का पेंडेंट लिया है, ये नायलॉन थ्रेड है। सुई में मैंने यहाँ पे 2.10 मीटर का धागा लगाया है। इसमें ये एक गोल्डन बीड लगाएंगे और इसको एंड में लेके, देखिए यहाँ पे ये जो पेंडेंट का ये रिंग है, इसमें से निकालेंगे धागे को इस तरह से। यहाँ पे दो गोल्डन बीड लेंगे इस तरह। यहाँ पे ये जो एंड का थ्रेड है, इसके साथ हमें इसको नॉट लगाना है इस तरह से। ये देखिए, ऐसे यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, दो तीन बार टाइट और सिक्योर नॉट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अभी हमें यहाँ पे इस तरह, ये देखिए ये जो इसके साइड का बीड है, इसको ऐसे निकालेंगे सुई को इस तरह से। देखिए ऐसे निकाल के यहाँ पे ये जो रिंग है, इसमें से सुई को निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से निकाल के लेंगे और यहाँ पे इसको नॉट लगाना है। एक दो बार यहाँ पे टाइट नॉट लगाएंगे इस तरह से। एयरिंग के ऊपर हमें नॉट लगाना है। ये देखिए इस तरह। फिर से हमें ये धागे को, ये जो दूसरी साइड का गोल्डन बीड है, इसमें से और ये जो ऊपर का है, इसमें से निकालना है इस तरह से। इस तरह निकाल के ये जो थ्रेड है, इसके साथ फिर से दो तीन बार टाइट नॉट लगाएंगी। ये देखिए इस तरह से। ऐसे यहाँ पे दो तीन बार टाइट नॉट लगा लेना है इस तरह से। यहाँ पे ये जो फिर से आगे का ये मोती है, गोल्डन बीड है, इसमें से निकालेंगे इस तरह से। यहाँ से निकाल के इस तरह से यहाँ पे ये धागे को कट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे ऐसे बना के फिर से ये जो रिंग है, इसमें से धागे को निकालेंगे इस तरह से। यहाँ पे फिर से ये देखिए ऊपर के जो दो गोल्डन बीड से, इसमें से सुई को निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें तीन गोल्डन बीड्स लेने हैं और इसको हमें इस तरह से, ये देखिए फिर से ये जो जहाँ से हमने सुई निकाली है, उसी मोती में से सुई को फिर से निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से ये ऐसे बनेगा। फिर से यहाँ पे ये जो दो मोती है, यहाँ से सुई को ये देखिए इस तरह से निकालेंगे। ये जो ऊपर का सेंटर का मोती है, इसमें से निकाल लेना है इस तरह से। धागा निकालेंगे, ये देखिए इस तरह यहाँ से निकालना है। अभी फिर से तीन मोती लेंगे गोल्डन कलर के और यहाँ पे फिर उसी तरह जहाँ से हमने सुई निकाली है, ये सेंटर का मोती, उसी में से सुई को निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से ऐसे बनेगा। देखिए इस तरह। अभी फिर से ये दो मोतियों से निकालेंगे
देखिए इस तरह से, यहाँ से, और ये ऊपर की जो सेंटर का है इसमें से निकाल के इसे निकालेंगे ये बीज से इस तरह से। अभी यहाँ पे ये देखिए ये जो गैप है, ये नीचे का जो यहाँ पे जो स्क्वायर बना है, इसको दो स्क्वायर के बीच में यहाँ पे एक गोल्डन मोती लगाना है इस तरह से। ये देखिए ऐसे, इस तरह ऐसे बनेगा। अभी यहाँ पे हमें ये देखिए फिर से ये जो ये नीचे का ये मोती है यहाँ से निकालना है। अभी यहाँ ये आगे के बीट से निकालेंगे इस तरह से। यहाँ पे भी एक मोती लेंगे, ये जो यहाँ पे गैप है, और फिर से ये ऊपर के जो दो, ये ऊपर का एक बीट से निकालेंगे, फिर से ये इस तरह से ऐसे यहाँ पे ये जो ऊपर का सेंटर का है इसमें से निकाल लेंगे इस तरह से, यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए ये इस तरह ये फ्लावर शेप का इस तरह से बन जाएगा, देखिए ऐसे। इसके आगे में हमें ये देखिए एक गोल्डन है, एक ब्लैक बीट लिया है, और फिर से है गोल्डन इस तरह से। फिर ये लेके ये जो वहाँ से हमने धागा निकाला है उसी में से सुई को फिर से निकालना है, ये इस तरह बन जाएगा, ये देखिए ऐसे। अभी यहाँ पे फिर से ये एक गोल्डन और ये ऊपर के सेंटर का ब्लैक बीड है इसमें से निकालेंगे। अभी यहाँ पे हमें ये देखिए एक ब्लैक, फिर एक गोल्डन और एक ब्लैक, इस तरह से तीन बीड्स लेने हैं। फिर से ये जो यहाँ पे नीचे हमने सेंटर का जो ये ब्लैक बीड है इसमें से धागा निकाला था उसी में से निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से ऐसे बन जाएगा ये इस तरह। फिर से ये जो ऊपर की सेंटर का और ये ब्लैक और ये सेंटर का गोल्डन है इसमें से इस तरह सुई निकालेंगे, ये देखिए इस तरह से ऐसे। अभी यहाँ पे तीन ब्लैक बीड्स लेंगे इस तरह, उसी तरह से ये जो नीचे का ये गोल्डन बीड है सेंटर का, यहाँ से सुई निकालेंगे इस तरह से, ये देखिए ऐसे। फिर से हमें ये देखिए ये तीन ब्लैक बीड से इसमें से सुई को निकाल लेना है, ये देखिए इस तरह से। इसको थोड़ा खींचेंगे इस तरह। यहाँ पे हमें दो ब्लैक बीड्स लेने हैं, देखिए जो गैप है यहाँ पे हमें इस तरह से दो ब्लैक बीड्स लगाने हैं। और फिर से ये जो ये देखिए जो नीचे का है ये तीन ब्लैक बीड्स है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे नीचे के मोती से निकालेंगे इस तरह से, ये देखिए ऐसे इस तरह बनेगा ये ऐसे। यहाँ पे फिर से ये जो दो मोती है ये जो दो बीड्स है ब्लैक बीड्स यहाँ से निकालेंगे, फिर ये यहाँ पे दो ब्लैक बीड्स लेंगे इस तरह से। फिर से ये ऊपर का ये देखिए यहाँ से निकाल के इस तरह से निकालेंगे, ये देखिए ऐसे, और ये जो ऊपर का सेंटर का ब्लैक बीड है यहाँ से निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये फ्लावर बनेगा। आगे में फिर से हमें एक गोल्डन ब्लैक और गोल्डन बीड लगाना है, फिर ये ऊपर का सेंटर का जो ब्लैक बीड है इसी में इसमें से सुई को निकाल लेना है।
इस तरह से भी, ये जो गोल्डन है और ये सेंटर का ब्लैक, ये दो मोतियों से सुई निकाल लेंगे। ये जो दो बीट से इसमें से सुई को निकालेंगे इस तरह से, ये देखिए ऐसे बनेगा। ये इसी तरह के फ्लावर्स हमें ऊपर में बना लेने हैं। यहाँ पे मैंने 4 ब्लैक फ्लावर्स बनाए हैं। अभी यहाँ पे ये 3 गोल्डन मोती लेंगे। ये गोल्डन बीड्स को फिर से ये जो सेंटर का ब्लैक बीड है इसमें से निकालेंगे इस तरह से, देखिए ऐसे। इस तरह से ये जो हमने नीचे का ये फ्लावर बनाया है गोल्डन, उसी तरह से यहाँ ऊपर में बना लेंगे, देखिए इस तरह। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से बना लिया है। इसी तरह से हमें ये फ्लावर की पट्टी बना लेनी है। ये यहाँ पे ये मैंने 4 टाइम्स बना लिया है। एंड में ये 4 ब्लैक फ्लावर्स है। फिर से यहाँ पे 3 गोल्डन बीड्स लेंगे इस तरह से, और ये जो सेंटर का है जहाँ से हमने धागा निकाला उसी में से सुई निकाल लेंगे इस तरह से। अभी ये जो नीचे का गोल्डन और ये सेंटर का, इसमें से सुई निकालेंगे। फिर यहाँ पे 3 गोल्डन बीड्स लेंगे, और यहाँ से सेंटर का जो है बीड इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हमें ये पट्टी को बनाते जाना है। फिर से ये जो ऊपर के 2 गोल्डन बीड से इसमें से निकालेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह। फिर यहाँ पे 3 गोल्डन लेके फिर से ये सेंटर में से सुई को निकालेंगे। इसी तरह से हमें जितनी लंबी ये पट्टी चाहिए उतनी बना लेनी है, और सुई को यहाँ पे कट नहीं करना है। ये देखिए इस तरह बना लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से नॉट लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने 9 टाइम्स बना लिया है इस तरह। यहाँ पे ये नॉट लगाना है इस तरह से। ये जो नीचे का बीड है यहाँ से निकालेंगे, सेंटर का, और फिर ये ऊपर के बीड्स में से निकाल के ये सेंटर के बीड्स में से निकाल लेंगे इस तरह से। ये सुई को कट नहीं करना है। इसी तरह ये पट्टी बन जाएगी। इसी तरह से दूसरी साइड में बना लेंगे, देखिए इस तरह से ऐसे बनेगा। यहाँ पे ये देखिए ये जो लेफ्ट का है, यहाँ पे सुई लगने 1 मोती गोल्डन बीड लेंगे। और ये देखिए इस तरह से राइट साइड का जो है इसकी सेंटर का जो गोल्डन बीड है इसमें से सुई को निकालेंगे। यहाँ पे और 1 गोल्डन बीड लगाएंगे, देखिए इस तरह से ये सेंटर में राइट साइड की पट्टी का बीड लगाया है इस तरह से। फिर से ये जो लेफ्ट का गोल्डन बीड है जहाँ से है सुई है उसी में से धागे को निकालेंगे, देखिए इस तरह से सुई को निकाल के से बनेगा ये इस तरह। फिर से हमें राइट साइड में इसको सुई को लेना है, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे इस तरह ये देखिए यहाँ पे नॉट लगा लेंगे।
ये देखिए इस तरह से। ये जो स्फेयर्स बनते जाएंगे इसमें से सुई निकालते हुए हमें नॉट लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। फिर ये राइट साइड में निकाल के लेंगे सुई को। ये देखिए इस तरह से निकाल के यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। ये इस तरह से बनाते जाएंगे। यहाँ पे पूरा टाइट नॉट लगा लेना है। देखिए फिर से ये यहाँ से निकालेंगे। देखिए जिस तरह ये पैटर्न बन गया है उसी तरह हमें सुई को निकालना है बीड्स में से और यहाँ पे नॉट लगा लेना है। इस तरह से 2-3 बार हमें नॉट लगा के लेना है। इस तरह बना के ये साइड के जो 2 या 3 बीड्स है इसमें से सुई को निकालेंगे। इस तरह से यहाँ पे धागे को कट करेंगे। इस तरह से इसी तरह जो सुई हमने लेफ्ट की राइट में नॉट लगा लिया है उसी तरह से ये जो राइट की सुई है इसको लेके लेफ्ट साइड में हमें नॉट लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए ये जो स्क्वेयर्स बने हैं इसमें से निकाल के यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह। जैसे हमने ये लेफ्ट की सुई को राइट में लगाया था उसी तरह से इसको भी लेफ्ट साइड में लेके इसमें नॉट लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। इस तरह बना के लेंगे। ये देखिए इस तरह। फिर से ये 1 या 2 बार नॉट लगा लेंगे। यहाँ पे 2 या 3 बीच में से निकाल के कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये पट्टी ये देखिए ज्वाइंट हो गई है। इस तरह बनेगा ये। देखिए इस तरह से फ्लावर शेप, मंगलसूत्र बन गया है। कैसे लग रहा है आपको ये न्यू फ्लावर डिज़ाइन मंगलसूत्र?